हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। केजीएफ जैसी बकवास मूवी और ओवर हाइप मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। यार ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं जिनको केजीएफ मूवी पसंद नहीं आई, या वो लोग देखे ही नहीं, लेकिन अपने मन से ही बस एजम्पशन लगाने स्टार्ट कर दिया। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में कि भाई तू केजीएफ मूवी को इतना सपोर्ट क्यों करता है। तो मैं उनको और आप सभी लोगों को बता दूं कि केजीएफ मूवी आप लोगों के लिए सिर्फ एक मूवी होगी, लेकिन मेरे लिए वो एक इमोशन है। मुझे आज भी याद है कि जब केजीएफ चैप्टर 1 का ट्रेलर रिलीज हुआ था। अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जो मैंने आपको बताना भूल गया, जबकि ये अनकट वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि 3 साल हो चुके हैं केजीएफ चैप्टर 1 को, तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग बना रहे हैं। चलिए बात करेंगे 3 साल पहले की, यानी कि जब केजीएफ चैप्टर 1 का ट्रेलर आया था। तो उस टाइम पे ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा था और हॉलीवुड लेवल का लगा था, लेकिन मेरे फेवरेट शाहरुख खान की मूवी जीरो भी उसी वक्त रिलीज हो रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये मूवी अपन साइड में रखते हैं, इसको बाद में देखेंगे या शायद नहीं भी देखेंगे, क्या फर्क पड़ता, साउथ की तो मूवी है। लेकिन मैंने जीरो मूवी देखी शाहरुख खान सर की, जो कि मुझे उनका एफर्ट्स बहुत अच्छा लगे। हालांकि मूवी कुछ इतनी खास नहीं थी सेकेंड हाफ में, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट्स किए वो काबिल तारीफ है। लेकिन जब केजीएफ चैप्टर 1 देखी, द मोमेंट आई सॉ दिस मूवी, उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि भाई आगे चल के बवाल मचाएगी। और बाहुबली के बाद अगर कोई मूवी दम रखती है पार्ट 2 का और उतना ही क्रेज करके कटप्पा को किसने मारा, तो वो केजीएफ चैप्टर 1 है। और यकीन मानो वो दिन था और आज का दिन है कि केजीएफ चैप्टर 2 के लिए इतना बेसब्र हो रहा, इतना बेसब्र हो रहा कि कोई इंसान किसी चीज़ के लिए इतना बेसब्र हुआ भी होगा शायद अपनी लाइफ में, जो केजीएफ चैप्टर 2 के लिए फैंस हो रहे हैं। उसके अलावा केजीएफ चैप्टर 1 की कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ ऐसे मूवी के सीन्स है जिसको मैं आज भी देखता हूँ, यानी कि 3 साल के बाद भी ऑलमोस्ट हर महीने देखता हूँ। तो उनमें से कुछ सीन्स मैं आपको बताता हूँ। अमेजन प्राइम वीडियोज़ पर तो भाई देखते रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाती है हर एक लैंग्वेज में, मैं हिंदी में देखता हूँ। तो सबसे पहला सीन वो है जब वो बूढ़ा आदमी जो जिसको दिखाई नहीं देता और गुंडों को पता चल जाता है अब इसको दिख रहा नहीं है तो ये अपने कुछ काम का नहीं है, तो गुंडे इसको टनल में लेके जाते हैं मारने के लिए। तब ऐसे में रॉकी बाल का हैमर उठाना और पीछे अनंत अक्षर का नरेशन, वो घूस बम से लेके आता। और वो सीन में जो बीजेम और जिस तरीके से रॉकी भाई ऊपर गुंडों की बैंड बजाता है, फिर वो टनल से बाहर निकलता है, फिर वो बैकग्राउंड में सॉन्ग बजता है, वो वॉइस ओवर, मतलब यार वो सीन ऐसा है कि मैं हर दिन देखता हूँ। सीरियसली वो मैं हर दिन देखता हूँ, पता नहीं क्यों, बस वो मैं हर दिन देखता हूँ। वो देख कर मुझे एक अलग ही अंदर आग लगती है मेरे अंदर। उसके बाद जो सेकेंड सीन है, वो बहुत सारे लोग वो क्लब में खड़े रहते गन लेके, रॉकी भाई वो नई गन लेके जाता है, मे आई कम इन, वो सीन मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और जो तीसरा है वो है क्लाइमैक्स। यार मैंने इस तरह का क्लाइमैक्स कहीं पर भी किसी भी साउथ मूवी में देखा ही नहीं। वो एक एज ऑफ द सीट किसको बोलते हैं ना, वो मुझे केजीएफ चैप्टर 2 में पता चला। खैर आप बात करेंगे बाहुबली और केजीएफ की, देखो बाहुबली उन मूवीज में से ये भी साउथ की है और इसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाहुबली ने ये ट्रेंड शुरू किया पार्ट 1 और पार्ट 2 का। और बाहुबली के पार्ट 1 के बाद जो वो क्रेजीनेस था कि भाई इसके कटप्पा क्या किया, कटप्पा ने क्यों किया, वो एक्साइटमेंट बाहुबली 2 तक था। अब बाहुबली 2 देखने के बाद पूरी मूवी अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, सैड बहुत अच्छे थे, लेकिन बाहुबली के एंड में जो क्लाइमेक्स में जो वो चूतियापा किया था मेकर साहब, ये मैं खुल के बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग नाराज होंगे, लेकिन वो जो चूतियापा किया था, मतलब ये नारियल के झाड़ से 4-5 बंदे एक दूसरे को पकड़ेंगे, वो किले में जा रहे हो, किला इतना ऊंचा है। अब तुम सोचो मूवी में लॉजिक नहीं होती, कोई भी जो चूतिया होगा जो मूवी में लॉजिक ढूंढेगा, लेकिन इस मूवी का सेंस भी नहीं बनता अनलेस और अनटिल वो जो 5 लोग थे, वो जितने भी वो सोल्जर्स थे और हमारे प्रभास भैया थे, वो अगर एवेंजर्स की टीम के मेंबर होते तो ही वो कारनामा कर लेते। लेकिन लिटरली एक आम इंसान का या एक सोल्जर का वैसा करना जो उस पर्टिकुलर मूवी के एंड में क्लाइमेक्स में होता है, वो इम्पॉसिबल है। और वो चीज़ वो सीन मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मतलब पूरी मूवी तुमने बहुत अच्छे बनाए, दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे बनाए, हर एक चीज़ को एक अलग लेवल पर लेके चले गए, लेकिन क्लाइमेक्स में लिटरली तुमने हगाया। और वो जोक था यार, वो क्लाइमेक्स नहीं था, वो सीरियसली एक जोक था। मुझे नहीं लगता कि लोग खुलकर उस बारे में बात क्यों नहीं करते, लेकिन करना चाहिए क्योंकि उससे मेकर्स को पता चले कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। और वही अगर केजीएफ चैप्टर 1 की बात करें तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ऐसी एक भी चीज़ नहीं जो आपको जोक लगे। मतलब केजीएफ अपने आप में एक ऐसा ब्रांड बन गया अब इंडिया का जिस ब्रांड को कोई हटा नहीं सकता। अब आपने पुष्पा को तो देख लिया होगा, पुष्पा ने सोचा कि वो केजीएफ को टक्कर देगा और बहुत सारे बोल बचन भी हुए कि भाई 10 केजीएफ के बराबर एक पुष्पा होगी। लेकिन 10 केजीएफ तो छोड़ो, केजीएफ का एक सीन क्लाइमैक्स ही पूरी पुष्पा मूवी पे भारी है।
सीरियसली यार फाइनली मैं इतना ही बोलूंगा केजीएफ चैप्टर 1 जितना बवाल थी उससे इनटू 100 कर दो तो केजीएफ चैप्टर 2 होने वाली जो कि रिलीज होगी 14 अप्रैल 2022। यार बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका कौन सा फेवरेट सीन है केजीएफ चैप्टर 1 का, वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। और क्या आप लोग उन लोगों में से हो जो आज भी केजीएफ चैप्टर 1 देखते हो बार बार लगातार मेरी तरह, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैकग्राउंड जो वॉइस आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो। बाय।